नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश विद रोहित। इस चैनल पर हम आपके लिए लाते हैं मोटिवेशनल एजुकेशन एंड इंग्लिश लर्निंग वीडियो। आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोहित और आज हम सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अगर आप टेंस सीखना चाहते हैं तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जैसे कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अगर आप वो जब आप उन चीजों को सीख लेंगे तो आपको ये सीखने में आसानी होगी। उसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को अच्छे से क्लियर किया गया है। तो आइए हम सीखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस होता है जिस हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको आ ए ई की मात्रा सुनाई देती है, आ ए ई की मात्रा। और ये जो मात्रा है ये आपके वर्ब के लास्ट में सुनाई देनी चाहिए। इसके पीछे, इस वर्ब के पीछे ना तो है और ना था दिखाई देना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैंने पत्र लिखा, खा मतलब खा पे आ की मात्रा और लिखना हमारी वर्ब है, तो वर्ब के साथ इस सेंटेंस में आपको आ की मात्रा सुनाई दे रही है। ठीक है, मैंने पत्र नहीं लिखा, इसमें भी वर्ब के साथ आ की मात्रा सुनाई दे रही है। अगर हम सब्जेक्ट को प्लूरल कर देते हैं, जैसे कि उन्होंने पत्र नहीं लिखा, तो भी आ की मात्रा सुनाई दे रही है। अच्छा, चलो वो एग्जाम्पल लेते हैं, आ की मात्रा की, ए की मात्रा की। हम लाल किला घूमने गए, तो हमने क्या काम किया, हम गए, गए में क्या है, ए की मात्रा। मैंने उसकी पिटाई की, पिटाई की यानी कि पिटाई करना आपकी वर्ब है, उसमें ई की मात्रा आ रही है। तो अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में आ ए ई की मात्रा सुनाई देती है तो वो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस माना जाता है। चलिए स्ट्रक्चर की बात करते हैं। मैंने बताया था कि सेंटेंस को बनाने से पहले आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं। आप ध्यान रखना, पूरे 12 टेंसेस में जो भी आप अलग अलग पार्ट उसके काउंट करते हैं तो 12 बैठते हैं। वैसे मेन टेंस तीन ही होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सभी टेंसेस के कंस्ट्रक्शन में सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन ऐसा है, एक ही रूल ऐसा है कि आप उसमें सेकंड फॉर्म की यूज करते हैं। तो आपको याद रहना चाहिए केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही ऐसा है जिसके सिंपल सेंटेंस में, एफर्मेटिव सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है और किसी टेंस में नहीं। तो आपके दिमाग से टेंशन निकल जानी चाहिए, ये सबसे अलग सेंटेंस है जो, और कोई भी चीज अलग होती है तो हमारा दिमाग उसे फटाफट याद कर लेता है। तो सेकंड फॉर्म का आएगी सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। आगे हम देखते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव और नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, यानी कि नेगेटिव वाक्य जिसमें नहीं आ जाता है, जैसे कि मैंने पत्र नहीं लिखा। तो जब भी आप नेगेटिव या इंटरोगेटिव बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट का, तो उसमें आपको डिड लगाना है। डिड इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और जहां पर डिड आता है वहां पर हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड के साथ भूल कर भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग ना करें। आइए देखते सेंटेंस, मैंने पत्र लिखा। इस सेंटेंस में मैंने आपका सब्जेक्ट है, लिखना आपकी वर्ब है और पत्र आपका ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम स्ट्रक्चर के हिसाब से चलें तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया आई, उसके बाद लिखना हमारी वर्ब है, तो राइट, राइट का मतलब होता है लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो हम इस टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज कर रहे हैं, आई रोट अ लेटर, हमारा ऑब्जेक्ट है अ लेटर, आई रोट अ लेटर, मैंने लेटर लिखा। इस तरीके से मैंने पत्र नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने आपका सब्जेक्ट हो गया, लिखना आपकी वर्ब हो गई, पत्र आपका ऑब्जेक्ट हो गया। और मैंने बताया आपको नेगेटिव सेंटेंस में आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो सब्जेक्ट आया हमारा आई, उसके बाद डिड नॉट, आई डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर। क्या मैंने पत्र लिखा, डिड आई राइट अ लेटर, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि क्या मतलब इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले रखनी पड़ती है। तो हमने यहाँ पर डिड को पहले रखा है, डिड आई राइट अ लेटर। और लास्ट कंस्ट्रक्शन हमारा बनता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव, डिड आई नॉट राइट अ लेटर, क्या मैंने पत्र नहीं लिखा। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा बड़े अच्छे से। अगर आप इस वीडियो को 3-4 बार देख लेंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको पास्ट इंडेफिनिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों, सब्सक्राइब करें, शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा उठा सकें, और नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी ताकि हम और मेहनत करें
और बेटर वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई एनर्जी और नई जोश के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।